हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज जनता से रूबरू होंगे और सीएम मनोहर लाल आज शाम 5 बजे प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के मामलों पर सीएम मनोहर लाल लोगों से राय लेंगे और अपनी राय भी रखेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जम्मू कश्मीर में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन गुपकार अलायंस की ओर से चीन के सहयोग से धारा 370 को वापस लाने के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय एकता की भावना के खिलाफ है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि देश की आजादी के 70 साल के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है और जिसका सब समर्थन भी कर रहे हैं, तो ऐसे में घाटी में गठबंधन गुपकार अलायंस की मांग देश की अखंडता को खतरा है। दिल्ली एनसीआर के बाद हरियाणा में भी रफ्तार पकड़ रहे कोरोना को काबू करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज एक्शन मोड में हैं। अनिल विज ने प्रदेश में सभी डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और पुलिस कप्तानों को कड़े आदेश दिए हैं। अनिल विज ने सभी जिलों के एसपी, डीसी, स्वास्थ्य विभाग और म्युनिसिपल कमेटी को आदेश जारी करते हुए कहा है कि वो सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों में सख्ती से चेकिंग करें और हरियाणा से लगते बॉर्डर पर जिला कप्तान कड़ी निगरानी रखें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब मास्क न पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी और उनसे 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। विज ने कहा कि धार्मिक सामान इंडस्ट्रीज या जहां भी भीड़ इकट्ठा हो रही है वहां चेकिंग की जाए। विज ने बताया कि कोरोना काल में बेहतर सेवाएं देने वाले पुलिसकर्मियों को होम मिनिस्टर डिस्क से नवाजने का फैसला लिया है, जिसके लिए विभाग को पत्र भी लिख दिया है। इस दौरान विज ने कपिल सिब्बल के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि हम देश में मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस टूटने के कगार पर है और जब कोई पार्टी टूटने के कगार पर होती है तो उसके नेता कलाबाजी खाने लगते हैं। और वही कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल के सरकार पर इलाके में सभी विकास कार्य रुकवाने के आरोप पर उन्होंने कहा कि ये काम कांग्रेस किया करते थे। जब हम विपक्ष में थे तब हम टीआरएस जाया करते थे और काम करवाने के लिए। प्रदेश में कोरोना के लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये इन आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 2,666 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं गुरुग्राम में 939 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और फरीदाबाद से 630 नए मामले सामने आए हैं। हिसार से 179 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं और वहीं रोहतक में 101 नए मामले सामने आए हैं। बात अगर अंबाला की करें तो अंबाला में पिछले 24 घंटे में 57 नए मामले सामने आए हैं और पंचकुला में 62 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के कारण 25 मरीजों की मौत के आंकड़े सामने आ चुके हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2,163 कोरोना मरीजों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा में कुल 2,15,021 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं और वहीं एक दिन में 2,466 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। चंद रुपयों के लालच में लोग कोरोना जैसी महामारी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक ऐसे लैब का भंडाफोड़ हुआ है जहां पैसे लेकर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट तैयार की जाती थी। गुरुग्राम के सैनीखेड़ा में स्वास्थ्य विभाग की नाक तले चल रहे इस लैब का भंडाफोड़ सिंफलाइन ने किया। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान जो लोग लैब से पकड़े गए हैं उन्हें लैब चलाने या फिर सैंपल लेने तक का कोई अनुभव नहीं है। बावजूद इसके ये झोलाछाप लैब संचालक लोगों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट बनाते थे। बताया जा रहा है कि यहां बनाए गए फर्जी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर कई लोगों ने विदेश यात्राएं की हैं। बहरहाल पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है और पूछताछ की जा रही है। फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के चलते अब स्वास्थ्य विभाग के बाद पुलिस महकमा भी बेहद सतर्क नजर आ रहा है। पुलिस अधिकारी शहर के अलग अलग नाकों पर चेकिंग अभियान चला रहे हैं। फरीदाबाद की 5 नंबर मार्केट में भी पुलिस ने अपना अभियान चलाया हुआ है और इस दौरान किसी व्यक्ति के पास अगर मास्क नहीं नजर आता है तो उसका चालान भी काटा जा रहा है, साथ ही उसे मास्क भी दिया जा रहा है।
दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर हरियाणा भी सतर्क हो गया है। जहां सैंपलिंग बढ़ा दी गई है तो वहीं बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर भी सख्ती बरती जा रही है। फतेहाबाद के लाल बत्ती चौक पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की ओर से संयुक्त रूप से अभियान चलाकर बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे गए। इस दौरान करीब 150 लोगों के सैंपल भी लिए गए। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी प्रमोद कुमार ने बताया कि शहर के मुख्य चौराहों पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं और सैंपल लिए जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने शहर में चालान काटने का विशेष अभियान चलाया हुआ है और बिना मास्क के जो लोग वाहन चला रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है। पुलिसकर्मियों ने उनकी फोटोग्राफी की, साथ ही चालान काटे, साथ ही मौके पर 500 रुपए का जुर्माना वसूला। कोच कॉलोनी रोड पर फाटक के दोनों ओर यातायात थाना पुलिस के कर्मचारी तैनात रहे। बिना मास्क पहने दुपहिया वाहन चला रहे लोगों के भी चालान काटे गए। यातायात थाना पुलिस ने लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक भी किया गया। ट्रैफिक पुलिस थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि शहर में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। लोगों को बार बार मास्क पहनने के लिए जागरूक भी किया गया और अब भी पुलिस टीम जागरूक करने के साथ साथ चालान काट रही है। भिवानी के सिविल अस्पताल में कोरोना सैंपल टेस्टिंग लैब बनकर तैयार हो गई है, लेकिन लैब में टेक्निकल स्टाफ नहीं होने की वजह से कोरोना सैंपल टेस्टिंग का काम शुरू नहीं हो पाया है। यहां पिछले एक महीने से लैब का निर्माण कार्य चल रहा था। लैब में मशीन और दूसरे सभी जरूरी मशीनें स्थापित की जा चुकी हैं और स्टाफ के लिए निदेशालय को सूचना भेज दी गई है। बताया जा रहा है कि लैब में कोरोना सैंपल के आरटीपीसीआर टेस्ट होंगे, जिससे रिपोर्ट उसी दिन मिल सकेगी। इस लैब में सैंपल टेस्टिंग की क्षमता प्रतिदिन 1000 की रहेगी और लैब में टेस्टिंग शुरू होने के बाद सैंपलों को रोहतक और हिसार में भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको बता दें कि फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियां प्रतिदिन कोरोना सैंपल लेकर रोहतक पीजीआई और हिसार अग्रोहा कॉलेज में लेकर जाती हैं। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और वहीं सोनीपत में लोग लापरवाह नजर आए। सोनीपत के एचएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया में अवैध रूप से लगने वाले बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कोरोना को लेकर खानापूर्ति कर रही है और ऐसे में लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है। बल्लभगढ़ में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि प्रदेश के 3,206 निजी स्कूलों की स्थायी मान्यता को एक्सटेंशन देने की मांग को लेकर निजी स्कूल संचालक कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से मिले और जिसके बाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन सौंपा। और वही मामले में मूलचंद शर्मा ने जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। एसोसिएशन के प्रधान चंद्रसेन शर्मा की माने तो पिछले साल एक्सटेंशन मिल गई थी, लेकिन अब लाखों बच्चे एक्सटेंशन न मिलने की वजह से अधर में लटके हुए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी ओर से कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से मदद की गुहार लगाई गई है। सिरसा में पराली जलाने के 240 मामले सामने आ चुके हैं और वहीं अब तक 208 मामलों में लगभग 5,42,000 का किसानों पर जुर्माना लगाया जा चुका है। कृषि उपनिदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने बताया कि जिले में 32 मामले अभी पेंडिंग हैं, जिन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार और प्रशासन के प्रयासों के चलते इस बार पराली जलाने के मामले आधे रह गए हैं और ज्यादातर किसानों ने उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए पराली की गांठें बनाई हैं। इन गांठों को पंचायती जमीन पर रखा गया। इसके साथ ही पशुओं के चारे के बारे में इस्तेमाल के लिए उन्हें गौशाला भी भेजा गया। फतेहाबाद में रोडवेज कर्मचारियों ने 26 नवंबर को होने वाली हड़ताल को लेकर बस स्टैंड पर गेट मीटिंग की और इस मीटिंग में चर्चा की गई कि 26 नवंबर को होने वाली हड़ताल को कैसे सफल बनाया जाए और इस मीटिंग में सभी रोडवेज कर्मचारी शामिल हुए।
रोडवेज कर्मचारी तालमेल यूनियन के प्रधान शिव कुमार ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि रोडवेज सहित अन्य विभागों को बेचने का काम किया जा रहा है। इसी के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल में रोडवेज कर्मचारी भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर रोडवेज कर्मचारी धरना देंगे और 26 नवंबर की हड़ताल को सफल बनाएंगे। गोहाना में जीएसटी को लेकर एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है और यहां की एक फर्म ने करोड़ों रुपए की खरीद फरोख्त तो की लेकिन उसका जीएसटी जमा नहीं कराया जो करीब 30 लाख रुपए है। मामला संज्ञान में आने पर आबकारी एवं कराधान विभाग ने गोहाना के अधिकारी राकेश कुमार ने शहर थाना को शिकायत देकर इस फर्म के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस फर्म के खिलाफ धोखाधड़ी और सेंट्रल सेल सेक्टर के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। गौरतलब है कि इस फर्म ने फरवरी 2019 में जीएसटी नंबर लेने के लिए आवेदन किया था। फर्म के मालिक ने फर्म का कार्यालय दुकान नंबर 3 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रोहतक गेट गोहाना दिखाया था। आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों की टीम जब जांच करने के लिए यहां पहुंची तो यहां कार्यालय नहीं मिला। अधिकारियों ने जीएसटी अकाउंट नंबर की जांच की तो विभिन्न वस्तुओं के बिल कटे हुए मिले और इसका भुगतान भी नहीं किया गया था। पंजाब में यूरिया खाद की किल्लत बढ़ने के साथ ही किसानों ने हरियाणा की ओर रुख कर दिया है। पंजाब के साथ लगते फतेहाबाद जिले का किसान रुख कर रहे हैं और पंजाब के किसान फतेहाबाद में आकर यूरिया खाद लेकर जा रहे हैं। देर शाम को पंजाब का एक युवक रतिया से 300 कट्टे यूरिया खाद लेकर जा रहा था। कृषि विभाग को सूचना मिलते ही मौके पर छापामार किया गया और छापेमारी की गई। किसान किसी तरह के कागजात नहीं दिखा पाए जिस पर कृषि विभाग ने एक युवक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की और वहीं इस घटना के बाद कृषि विभाग सक्रिय हो गया है। प्रशासन ने पंजाब की बॉर्डर पर पंजाब पुलिस के साथ नाकाबंदी कर दी गई है। वहीं पंजाब की ओर से आने वाले वाहनों की भी जांच की जा रही है। रादौर के गांव दामला के पास रोडवेज बस में एक यात्री की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई और मृतक की पहचान करनाल के सेक्टर 6 निवासी खरीती लाल के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को मामले की सूचना के बाद शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू की। यमुनानगर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रोम राइस मिल जगाधरी से 5 ट्रकों और शिवशंकर राइस मिल पाबनी रोड से चावल से भरे 2 ट्रक पकड़े हैं। इनमें से 6 ट्रक बिहार के अलग अलग जिलों में थे। एक ट्रक उत्तर प्रदेश के अयोध्या से लाया गया और एक राइस मिल में ट्रक का माल उतार चुका था। बताया जा रहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश से सस्ता चावल खरीदकर उक्त राइस मिलों में लाया जाएगा जिसके बाद पुलिस टीमों का गठन किया गया और जैसे ही चावल से भरे ट्रक राइस मिलों के बाहर पहुंचे पुलिस ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। डीएफएससी विभाग के अनुसार रोम राइस मिल जगाधरी को खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक ने कोटाई के लिए 1,31,954 क्विंटल धान खरीदा हुआ दिया और इसी तरह शिवशंकर राइस मिल को करीब 6,000 मीट्रिक टन धान हेफर तय दिया हुआ है। एसएचओ सिटी राकेश राणा ने बताया कि ओम राइस मिल के बाहर हमने 6 गाड़ियों की चेकिंग की जिनमें चावल भरे हुए थे। इनमें डिपार्टमेंट को शक है कि जो सरकार को चावल देना होता है उसी में मिक्सिंग के लिए माल मंगाया गया है। विभाग ने अपनी लिखित में रिपोर्ट दे दी है। हरियाणा न्यूज की खबर का असर एक बार फिर से देखने को मिला है। आपको बता दें कि 16 तारीख को एक बच्ची घर से आधार कार्ड से नाम बदलवाने के लिए झज्जर पहुंची जहां उसका अपहरण कर लिया गया जिसके बाद परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी प्रश्न उठाए थे। हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और फिर पुलिस ने मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए बीते दिन बच्ची को अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ाया। डीएसपी राहुल देव ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और वहीं बच्ची के बयान दर्ज करने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। जुलाना गोहाना मार्ग पर एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव लजवाना कला निवासी के व्यक्ति अंतराम के रूप में हुई है। मौके पर मौजूद राहगीरों ने घटना की सूचना जुलाना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
भिवानी के वार्ड नंबर 15 के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वार्ड नंबर 15 के लोग सीवरेज लाइन, पानी की लाइन और गंदगी के अंबार से परेशान हैं। वही वार्डवासियों का कहना है कि वार्ड नंबर 15 में सीवरेज की लाइन 40 साल पुरानी है, जिसके चलते यहां के सीवरेज गंदगी से अटे पड़े हैं और ओवरफ्लो होकर और भी ज्यादा गंदगी फैलाते हैं। वहीं यहां पर पानी की लाइन और गंदगी की समस्या भी बनी हुई है। लोगों का कहना है कि जब पार्षद से इस समस्या के समाधान की मांग करते हैं तो पार्षद दो टूक जवाब देता है और ये उसके बस की बात नहीं है, ऐसे भी बोलता है। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले पब्लिक हेल्थ से पानी की लाइन बदलने की मांग की थी, लेकिन आज 6 माह बाद भी उनकी समस्या जो हुई थी वो खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत वे बार बार वार्ड पार्षद और प्रशासनिक अधिकारियों से भी कर चुके हैं, यहां तक उन्होंने सीएम विंडो में शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे धरने देने को मजबूर हो जाएंगे। कोरोना महामारी में जहां लगातार लंबे समय तक स्कूल बंद रहे, वहीं बच्चों की पढ़ाई पर भी काफी असर देखने को मिला। गोहाना के एक गांव का रहने वाला 16 साल का छात्र जो कि 10वीं क्लास में दूसरी बार फेल हो गया था, जिसने खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। जानकारी के अनुसार छात्र पहले भी गणित के पेपर में पहली बार परीक्षा देने के दौरान असफल हो गया था। उसके बाद दोबारा फॉर्म भर परीक्षा की तैयारी की और परीक्षा दी। रिजल्ट आने के बाद छात्र दूसरी बार भी फेल हो गया, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। फटाफट हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।